हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल कुरत। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत से हमारे किसान भाइयों का हम पे कमेंट आता है और हमारे काफ़ी मैकेनिक भाइयों का भी हम पे कमेंट आता है कि अब्दुल भाई, हम जब ट्रैक्टर का ब्रेक बनाते हैं, जैसे कि ऑयल वाला ब्रेक है, आजकल ज़्यादातर ट्रैक्टरों में ये OIB ब्रेक आने लगा है, ऑयल इमेज ब्रेक। OIB का मतलब यही होता है, ऑयल इमेज ब्रेक, जिसका पूरा का पूरा ब्रेक लेडर या ब्रेक लाइनर ऑयल में डूबा होता है। उसमें क्या होता है दोस्तों, काफ़ी हमारे मैकेनिक भाई हमें फ़ोन करके भी बोलते हैं, कमेंट में भी लिखते हैं कि हमने ट्रैक्टर का ब्रेक बनाया लेकिन उसमें आवाज़ आने लगी एक दो दिन के बाद, है ना, और ब्रेक भी ठीक से नहीं लगता है। तो आखिर ऐसा होने की वजह क्या होती है? बोलते हैं हमने इसमें ऑयल नया डाल दिया, ब्रेक लाइनर नया डाल दिया, है ना, उसका जो प्लेट वगैरह आता है वो सब कुछ नया डाल दिया, ऑयल भी नया डाल दिया, ऑयल फिल्टर भी नया डाल दिया, फिर भी एक दो रोज़ के बाद उसमें आवाज़ आना शुरू हो जाती है और उसका ब्रेक चिपकने लगता है। तो उसकी मेन वजह क्या होती है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो इसको लाइक करना और हो सके इतना हमारे और मैकेनिक भाइयों में, किसान भाइयों में इसको शेयर करना, ताकि जो भी इस चीज़ से परेशान है वो हमारे वीडियो से अपने ट्रैक्टर में सुधार कर सकता है। दोस्तों, जब भी आप ऑयल ब्रेक वाले ट्रैक्टर का काम करते हो तो आपको क्या करना है, उसका ऑयल नया डालने से पहले, उसका ब्रेक लाइनर नया डालने से पहले, उसका जितना भी पुराना ऑयल होता है उसको हमें निकाल देना होता है ना। पुराना ऑयल निकाल देने के बाद इसको हमें अच्छी तरह से, बिल्कुल बारीकी से, हर एक कोने को हमें साफ़ करना होता है। तो वो कैसे होगा, हमने तो सिर्फ ब्रेक का काम करना है, तो इसकी सफाई कैसे की जाती है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से इसका पूरा सफाई का काम होना चाहिए, है ना। अगर आपने इसको अच्छे से सफाई नहीं किया, ऑयल को निकाला फिर नया डाल दिया, ब्रेक लाइनर डाल दिया, समस्या वहीं की वहीं रहेगी। और यही होता है ना। और सबसे बड़ी जो गलती करते हैं ऑयल की, जो भी ट्रैक्टर ऑयल ब्रेक वाला है उसमें हमें उट्टो OIB ऑयल डालना है, ये वाला देख सकते हैं, ये ऑयल का ही हमें यूज़ करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, 68 नंबर या तो 90 नंबर डाल देते हैं या 40 नंबर डाल देते हैं। 68 नंबर GCB के लिए होता है, केवल जिसको हाइड्रोलिक का काम करना होता है उसमें 68 नंबर चलता है। 90 नंबर का जो होता है वो पुराने ट्रैक्टर में, जैसे स्वराज वगैरह जो ड्राई ब्रेक वाला है उसमें चलता है। लेकिन अगर आपका OIB ऑयल इमर्स ब्रेक है, उसमें आपको उट्टो OIB ऑयल ही डालना है ना। बहुत से लोग बोलते हैं यार हमारा ट्रैक्टर नया है फिर भी ये समस्या आ गई। वो समस्या किस तरह से आती है दोस्तों, पता है, जैसे कि आपने ट्रॉली लगाया है आपके ट्रैक्टर के साथ में, अगर कोई आपका यार दोस्त यार जो भी आया, आपका कोई रिश्तेदार, उसने बोला हमको आपकी ट्रॉली दे दो या तो आपका ट्रैक्टर दे दो, उसने ले जाके कोई दूसरे ट्रॉली के साथ में उसको यूज किया, और हो सकता है कि वो ट्रॉली पुराने ट्रैक्टरों के साथ में चली है जिसका ऑयल ख़राब है, या तो वो 90 नंबर का ऑयल है उसके गियर बॉक्स में, वो ट्रॉली ले जाने के बाद आपके घर पे छोड़ गया, फिर आपके घर पे आने के बाद आपको तो पता नहीं होता है, आपने उसको लगा दिया आपके ट्रैक्टर के साथ में, तो ये ट्रॉली के सिलेंडर में जो ऑयल जमा होता है वो आपके ट्रैक्टर में आ जाता है। समझ गए ना, जैसे मेरा ब्लड उसके ब्लड में नहीं चलेगा, मैच करना पड़ता है ना, आपने देखा होगा ब्लड एक दूसरे का चला जाता है तो प्रॉब्लम आता है, उसको हमें मैच करना होता है लैब के जरिए। तो बस यही समस्या होती है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें, केवल आपका OIB ट्रैक्टर है, ऑयल ब्रेक वाला ट्रैक्टर है, तो आपका ट्रॉली ना तो किसी को दे, ना किसी का ट्रॉली आपके ट्रैक्टर के साथ में यूज करे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। और कई बार क्या होता है, जैसे ऑयल कम है और उसमें डालना होता है, बहुत से मिस्त्री लोगों को या किसान भाइयों को पता नहीं होता है, 90 नंबर का उठा लिया और डाल दिया, 68 नंबर का उठा लिया डाल दिया, और ज़्यादातर मैंने जहाँ तक देखा है 68 नंबर का ऑयल यूज़ करते हैं, लेकिन वो सरासर गलत है ना। उसमें उट्टो OIB ऑयल आएगा, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये वाला, और किसी भी कंपनी का है लेकिन अच्छी कंपनी का होना चाहिए, चाहे वो कैस्ट्रोल सर्वो कोई भी कंपनी है ना, सोनालिका हो गया, स्वराज का हो गया, हर एक ट्रैक्टर अभी अपनी ब्रांड बना के देता है। स्वराज तो स्वराज के पैकिंग में मिलेगा, सोनालिका तो सोनालिका के पैकिंग में मिलेगा। कहने का मतलब एक है कि उसमें OIB ऑयल डालना है, तो चलो उसकी सफाई किस तरह से होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। हाँ तो दोस्तों, इस तरह से हमें इसका गेयर टॉप लिप कवर इसको खोल देना है, और उसके बाद इस तरह से हमें इसका पुराना ऑयल निकाल लेने के बाद ट्रैक्टर को जैक पे लगा लेना है, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में।
और उसके बाद हमें डीजल के फुहार से इस तरह से एक बंडे की मदद से हमें टायर को घुमाना है और हर एक कोने को हमें अच्छे से क्लीन करना होता है। अभी आप देख सकते हैं कि हमने इसका ब्रेक ड्रम नहीं खोला है, तो इस तरह से इसमें भी हमें अच्छे से फुहार लगाना है और हर जगह से जितना भी पुराना ऑयल है इसको हमें इस तरह से क्लीन कर लेना है। उसके बाद हमें इस तरह से इसका ब्रेक ड्रम निकाल लेने के बाद लाइनर, ब्रेक ड्रम और इसकी हर एक प्लेट को हमें अच्छे से क्लीन करना होता है डीजल के फुहार से। और देख सकते हैं इस तरह से पूरा डिफ्लेक्शन बॉडी गियर बॉक्स में जितना भी कोना है जहां तक हो सके हमें इसको अच्छे से क्लीन करना है। जब आप इसमें ब्रेक का काम करते हो या तो कभी भी आपको इसका ऑयल चेंज करना है, और ये नहीं दोस्तों कि ये OIB जो ट्रैक्टर है ऑयल ब्रेक वाला उसमें ये काम करना है, अगर ड्राई ब्रेक वाला है इसको भी हम इस तरह से अच्छे से क्लीन करेंगे ना तो उसके हाइड्रोलिक में प्रॉब्लम आने की समस्या बहुत कम हो जाती है। तो सफाई हमारे काम में बहुत जरूरी है, मैं मेरे तकरीबन वीडियो में कहता हूं कि सफाई हमारे काम में बहुत जरूरी है। तो इस तरह से दोस्तों हमें इसको घुमाना है और पूरा डिफ्लेक्शन बॉडी गियरबॉक्स इसको हमें अंदर से बारीकी से क्लीन करना होता है ताकि उसमें जितना भी पुराना ऑयल या उसमें जो भी कचरा है एमडी वगैरह वो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेने के बाद आप चाहो तो पानी का प्रेशर भी लगा सकते हो। और उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसको हवा से अच्छे से ड्राई कर लेना है कुछ इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं उसमें। अगर आपके पास में एयर कंप्रेशन है तो ठीक है, नहीं है तो इस तरह से आप हूवर की मदद से भी कर सकते हैं। तो हर एक कोने को हमें अच्छे से सुखा लेना है। तो शायद आप समझ गए कि इसका सफाई जरूरी है ना। हाँ तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया इस तरह से अच्छे से अगर आपने आपके ट्रैक्टर का सफाई कर लिया है उसके बाद आप उसमें नया लाइनर और नया ऑयल डालो, बिल्कुल कंपनी की तरह हो जाएगा। मेन चीज़ सफाई जैसा मैंने बताया है ना, इस चीज़ को नज़रअंदाज किया समझ लो आपकी लागत बर्बाद हो जाएगी, मेहनत करनी पड़ती है। और ये सच बताऊँ जिम्मेदारी मैकेनिक की होती है, जब आपके पास में ये जॉब आया है तो आपको इस तरह से क्लीन करके काम करना होता है, क्योंकि किसान हमें पैसा देता है तो उसके बदले में उसका काम हमें एक नंबर में करके देना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको ये मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और सीखने को मिला है वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, और आपने अभी तक आपका चाहिए तो आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल अब्दुल कुरत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, क्योंकि आपका चाहिए तो आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल अब्दुल कुरत रोजाना ऐसे ही नए नए टॉपिक पर वीडियो लाता है और इंशाल्लाह आगे भी लाता रहेगा। तो प्लीज़ आप हमारे इस नए काम में हमारे साथी और सहभागी बने। तो चलो दोस्तों हम जल्दी मिलेंगे इससे भी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।